फार्मा, फार्मा में फार्मा। आप एक घंटा डेली देल मतलब एक आपका वीक एरिया था, वी था ओके, ओके 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 ये करने लगा सब धीरे-धीरे करते-करते मेरे को थोड़ा थोड़ा बन गया कि हाँ हो जाएगा अब इस डर नहीं छह महीने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो और ये छह महीना आपको लाइफ में कम से कम तीन चार साल आगे लेके चले जाते हैं पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से रहना पड़ेगा कि उसमें पूरा क्वेश्चन भी हो जाए और मेरा थ्योरी भी हो जाए सब कुछ हो जाएगा अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो अगर आपको अपने शेड्यूल पे भरोसा है और उसको आप डेली बेसिस पे हिट कर पा रहे हो डेफिनेटली यू कैन एस लाइक शुभम हैज़ डन और हाय गाइस आई एम डॉक्टर सिराज अहमद योर फैकल्टी ऑफ फार्माकोलॉजी एंड इट्स माय प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस टू यू डॉ शुभम श्रीवास्तव हु हैज़ स्कोरड अ मार्वलस स्कोर इन दिस एग्जामिनेशन जनवरी 2024

पढ़ाई स्टार्ट किया अच्छा और थर्ड ईयर से मतलब पढ़ते रहे नोट्स बनाए वहाँ पे नोट्स बनाते अपने मेडिकल कॉलेज में ओके ओके नोट्स बनाने बनाते गए बनाते गए फिर उसके बाद जब यहाँ आए तो रिवी, रिवीजन उसको बस अब रिवीजन करना था उसी को रिवाइज करना था हाँ, हाँ, तो मैंने सारे सोर्सेज मतलब अपने कलेक्ट कर रखे थे फिर उसके बाद आपके वीडियोस वगैरह जो थे फार्मा मेरे को बहुत डर लगता था स्टार्टिंग में तो अच्छा फार्मा जैसे मतलब मुझे लगता था कि ऐसे नहीं हो पाएगा ये हाँ। फार्मा पता नहीं कहाँ से कभी कोई ड्रग आ जाता था हाँ। कोई ड्रग आ जाता हर हाँ। हर टाइम एक नया ड्रग का कुछ नाम हो जाए कोई कुछ हो जाए तो फिर वो हाँ। मुझे डर साइक लगने लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा लेकिन मैं धीरे धीरे क्या किया कि उसको एक घंटे पर डे दे देने लगे फार्मा में फार्म। आप एक घंटा डेली देने लगे मतलब एक आपका वीक एरिया था वीक एरिया था ओके 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 तो फिर मैंने फार्मा को जैसे एक घंटा डेली आप नोट से पढ़ते थे नोट से पढ़ते थे डेली एक घंटा फिर आपका वीडियोस वगैरह आता था, था उसको देखता था तो पांच मिनट का सीरीज आपने स्टार्ट किया वो बहुत अच्छा रहा वो उस समय कि हर हर दिन एक वो टारगेट बन जाता था, था।, का का था पढ़ना पढ़ना तो वो, वो माइक्रो भी जैसे कुछ लोगों का वीक हो जाता है माइक्रो तो माइक्रो भी एक घंटे देने लगा फिर उसके बाद अगर आपको ऐसे बायोकेमिस्ट्री भी मेरे को लगता था तो थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री को भी मैंने कभी कभी स्टॉप करके स्टॉप करके बायोकेमिस्ट्री उस जगह पढ़ने एक घंटे धीरे तो धीरे करके ऐसे बनने लगा मेरे को जीटी वगैरह का स्कोर अच्छा अच्छा लगा तो फिर उसके बाद मैंने सारे उसके बाद धीरे धीरे एग्जाम जब आने लगा जीटी वगैरह देते रहे फिर एग्जाम आने लगा तो उस टाइम पे

ये करने लगा सब धीरे धीरे करते करते मेरे को थोड़ा बन गया कि हाँ हो जाएगा अब इस बार थोड़ा डर नहीं शुभम की इस बात से एक बात मैं आप सबको बता दूं एक तो चीज इन्होंने बोला कि थर्ड ईयर में इन्होंने स्टार्ट कर दिया ये आपने बोला तो ये मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ स्टार्ट अर्ली है ना स्टार्ट अर्ली मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में शुरू हो जाओ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाई करो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ो नोट्स बनाओ थर्ड ईयर से थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आते आते थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाओ एंड ही सेट अ वेरी फाइन एक लाइन में जल्दी से बोल के निकल गई है कि इन्होंने सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया मतलब ही वॉज ऑर्गेनाइज अनफ दैट ही हैड कलेक्टेड एवरी और आने के बाद ऑल ही डिड एंड डिड यू डू सम कोचिंग और वॉज इट ऑल सेल्फ स्टडी हाउ वॉज इट

ये इस वीक एरिया को डेली बेसिस और ये मैं बार बार बोलता हूं अगर आप मेरा कोई भी शेड्यूल वाला वीडियो देखोगे मैं बोलता हूं फॉर योर वीक लेक्चर गिव टू आवर्स 45 मिनट का एक दीजिए और 15 मिनट उसी को रिवाइज करिए फिर 45 मिनट फिर 15 मिनट और इन्होंने ये exactly एग्जैक्टली यही किया ऐसा नहीं कि मैंने बताया था ना मैंने नहीं बताया था इन्होंने कहीं सुन लिया होगा या खुद से इन्होंने अपना स्ट्रैटेजी डेवलप किया ये अपने वीक एरिया को देना है और जैसे मान लीजिए बीच में कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि बीच में कभी माइक्रो हम बायोकेम करने लगे आई थिंक दैट इज व्हाट यू सेड सो स्लोली एंड स्लोली जब आप अपने वीक एर एरिया को डेली बेसिस पे हिट करते जाओगे तो डेफिनेटली अ टाइम विल कम देन व्हेन यू विल बी शाइनिंग लाइक शुभम शुभम आपकी वीकर एरिया जो फार्माकोलॉजी थी जो आप बता रहे थे उसके अलावा एल एन एक्स के और कौन से प्लेटफॉर्म से आपको हेल्प मिला जैसे आपने बताया गेस्ट पेपर सीरीज जो काफ़ी फेमस रहा एल एन एक्स के यूट्यूब चैनल पे जो आता था उसके अलावा और किससे आपको

रिकॉर्ड होंगे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मिल जाता है ठीक है तो आपका जो वीकर एरिया था चलिए बच्चों को एक बार और बता दिए कि जैसे आपने डेली बेसिस टारगेट किया चलो मान लो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ फार्मा हुँ। तो आपने टारगेट करना शुरू किया फ्रॉम योर नोट्स फ्रॉम वीडियो फ्रॉम फाइव मिनट फाइव की सीरीज जिससे भी आपने टारगेट किया तो एक्चुअल एग्जाम में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फ् सर जब क्वेश्चन यहाँ बनने लगता था तो वही सेम चीज एग्जाम में रिफ्लेक्ट होता है, थोड़ा है तो रहता 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 हाँ, हाँ। लेकिन हाँ। जब अगर सेम क्वेश्चन आ जाएगा उसमें तो से तो मेरा हो जाएगा उधर से हो जाता था कोई दिक्कत आप हैंडल कर लिए अपने वीक एरिया को और वीक एरिया में कितना कॉन्फिडेंट था फार्मा में या माइक्रो में या बायो जी जीटी वगैरह देते नाइन्टी फोर परसेंट नाइन्टी फोर सबसे टॉप पे फार्मर आता था मेरा अरे वाह मैं द, बैठा हूँ इसलिए तो नहीं बोल रहे हूं। नहीं। <laughs> नहीं। मतलब Uh, सच में ऐसा होता था, था आ, क्योंकि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे अगर इवन uh, आप पीएसएम uh, वगैरह जो भी ऐसा छोटे मतलब uh, लग रहा था कि रटने वाला सब्जेक्ट है तो आप उसको डेली अगर पढ़ेंगे धीरे धीरे डेली पढ़ते पढ़ते वो आपको uh, मतलब याद हो जाएंगे मतलब वो आपके जहन में बैठ गया था उस बस, चीज को यू मेड श्योर की आपका वीक एरिया वीक ना रहे और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात फिर से बोली कि जो वीक था इन्होंने जब उस पर काम करना शुरू किया सो दैट वाज हिज टॉप स्कोरर सब्जेक्ट हाईएस्ट मार्क्स yes, जीटी में उन्हीं सब्जेक्ट से लेकर आते थे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है एमसीक्यू के लिए क्या सोर्सेस आपने यूज किया

सर ये तो लगभग जब एफ सॉल्यूशन आया था लगभग थोड़ा लेट हो चुका था हुँ, हुँ. तो फिर उसको मैंने पहले ए, सेवेंथ एडिशन जो है पुराना था मतलब अपने एमबीबीएस तो, के दौरान शुरू कर दिया था कि इंडिया आने के बाद जैसे कोई मेरा एक फ्रेंड लिया हुआ था तो मैं थोड़ा थोड़ा उससे कर 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 रहा था रहे थे अब स्टार्ट दिए द जर्नी शुड स्टार्ट अर्ली गाइस ऑलवेज एंड ऑलवेज रेम्बर ताकि आपको पता रहे की किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं अपने जूनियर्स को जो बहुत ही हार्ट फेल्ड मैसेज हो जो आप चाहते हैं कि आपकी जूनियर्स मिस ना हो

सुनो so, no. हाँ सुनिए ट्रस्ट कीजिए उस हुँ, पे। हुँ, और वो ट्रस्ट आपका एग्जाम में आपको बेनिफिट दे जाएगा बिल्कुल बिल्कुल तो ये ये है ट्रस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस योर वन सोर्स ये आपने yes. दो बातें बोली ट्रस्ट द प्रोसेस ट्रस्ट योर फैकल्टी एंड ट्रस्ट एनी वन सोर्स yes, और एमसीक्यू सॉल्विंग और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सर भी कोई ये नहीं कि कहीं कहीं से सॉल्व करने लगे कुछ ऑथेंटिक चीजें ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए बिल्कुल ऐसा नहीं टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से का तो सर फिर वही हो जाएगा कि आप यहाँ सही कर दिए तो पता चला वो क्वेश्चन गलत है आप जाके वहाँ भी जाके गलत कर गया तो हैंड पिक्ड भी, भी वेरी वेरी केयरफुल कितना घंटा पढ़ते थे आप यूजली आप इतना स्कोर लाने के लिए पहले अटैम्प्ट में एक बहुत बड़ी स्कोर है ना तो कितना घंटा पढ़ते थे आप करीब करीब सर दस से बारह बारह घंटा से ऊपर ही पढ़ के उठ जाओगे का टाइम हो तो खाने जाए फिर उसके बाद शाम में एक बार चाय पीने के लिए चले गए फिर उसके बाद अपना रात को ही खाने जाए बस केवल खाना सोना और यही सब काम था मेरा मतलब अगर आप खा नहीं रहे थे सो नहीं रहे थे अगर ये दो काम नहीं कर रहे थे तो आप पढ़ाई कर रहे बस है ना या पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे है ना? है ना तो ये टाइम देख के पढ़ाई नहीं करते थे बहुत इंपॉर्टेंट uh, बात है कि घड़ी देख के पढ़ाई नहीं कर रहे थे ही यूज टू फिनिश हिज शेड्यूल वंस ही फील्स की आई एम डन इनको जब लगता था अब मेरा हो गया आज का कोटा पूरा हो गया तब छोटे तो छोटे शेड्यूल बनाना शुरू किया कि हमारा हा, हा, ये टारगेट है चार दिन में ये सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए हा, हा, तो ये सब्जेक्ट को मैंने चार दिन से चार दिन से पहले कोशिश किया कंप्लीट हो जाए और उसमें क्वेश्चन भी बना ले मैं हु, हु, क्योंकि अगर सर्जरी जैसे बड़े सब्जेक्ट अगर करने जाए तो हम चार से पांच दिन में अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे मेरा दूसरा स्मॉल सब्जेक्ट छूट जाएगा छूट जाएगा तो हमें पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से रहना पड़ेगा कि उसमें पूरा क्वेश्चन भी हो जाए और मेरा थ्योरी भी हो जाए सब कुछ हो जाए सर। तो आप जैसे तैयारी किया बोले आपने कोई कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किया जी और आप सेल्फ स्टडी किएन तो में, 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 में आप तो मतलब सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है बहुत सर, बहुत वो आपने कैसे मतलब मैनेज किया बच्चों को बताइए ताकि वो बच्चे इससे बहुत ज्यादा परेशान है सर सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा हम्म सुन रहे हो आप लोग सोशल मीडिया है ना

टाइम के लिए कैंसर बोलेंगे टाइम के लिए किलर है टाइम को किल कर रहा है सोशल मीडिया और हम लोग को पता भी नहीं चलता अंदर ही अंदर कितना टाइम चला जाता है पता नहीं चलता है भी भी भी। तो एक तो डिसिप्लिन रहने के लिए आपने सोशल मीडिया को कट ऑफ किया बाकी अननेसेसरी के जो कॉन्टैक्ट थे या जहाँ पे अननेसेसरी कॉल्स थे जहाँ से आपका टाइम किल हो रहा था आपने उसको एवोग किया तो भी एक बहुत मैसेज रहा है क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए डिसिप्लिन आर्मी लेवल की ट्रेनिंग चाहिए होती है ना ऐसे नहीं है कि आप सात बजे का प्लान करो और नौ बजे शुरू करो तो तो पॉसिबल ही नहीं, नहीं, नहीं है नहीं, है ना आप जो शेड्यूल बनाते थे आपको ये फील होना चाहिए कि मैंने आज का ये शेड्यूल कर लिया एकदम अंदर से एक आत्मविश्वास के साथ सोए कि हमने आज जो बनाया था शेड्यूल उसको ऐसा होता है की बिल्कुल बिल्कुल पीछे अब वो, आ, मैं पढ़ रहा हूं। फिर फॉर्म फॉर्म आ गया तो भरने तो भरने जाना ही है इट्स अ पार्ट देखो पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं है डेली का शेड्यूल बारह घंटे हो कभी ऐसा भी हो सकता है फैमिली में कोई बात हो जाए या आपके फ्रेंड के साथ बात हो जाए या सिकनेस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपका आउटकम चार से छह घंटे का निकले बट वट इज इंपॉर्टेंट कि आपको चलते रहना है चलो वेरी नाइस एंड आई होप कि जो भी मैसेजेस यहाँ से जा रहा है यू हैव टू स्टार्ट अर्ली पिक वन सोर्स एंड स्टिक टू दैट वन इंपॉर्टेंट सोर्स एंड ऑथेंटिक सोर्स ऑफ योर एमसीक्यू प्रिपरेशन योर जर्नी शुड स्टार्ट अराउंड थर्ड ईयर टू फोर्थ ईयर अगर आप uh, अगर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पार्ट कर चुके हैं तो अभी भी कोई देर नहीं हुआ है इट जस्ट दैट यू हैव टू स्टार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए प्लान कर रहे हैं तो यू शुड भी हाईली डिसिप्लिन अगर जो प्लान कर रहे हो उसको डेली बेसिस पर हिट करते हुए आगे बढ़ना है राइट सो आई थिंक अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग चेंज कर लेते हैं तो वी डेफिनेटली गेट टू सी द मैजिकल स्कोर और एक और बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने की छः महीने की बात है बस छह महीने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो और ये छह महीना आपको लाइफ में कम से कम तीन चार साल आगे लेके चले जाते हैं है ना अगर मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा ना बोलूँ तो ये बोल सकता हूं कि छह महीना आपने मेहनत कर दिया तो आपको छह साल आगे लेके चला जाता है क्योंकि अगर एक बार यूजली क्या होता है बच्चे का किसी कारणवश नहीं हो पाता है ना तो वे एक अजब से मेंटल साइकिल में फंस जाता है जा। ट्रैप हो जाता है कि नहीं हुआ उसका हो गया इसका हो गया ऐसे हो गया है ना वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था या पढ़ती थी है ना मैंने उसके लिए गुलाब खरीद के लाया वेलेंटाइन डे का दिन था बिल्कुल बंद कर देना है ना बंद कर देना चाहिए गर्लफ्रेंड नहीं थी तुम्हारी तो <laughs> अच्छा बताना नहीं चाहते एनी वे है ना पापा नहीं तो सुन लेंगे है ना सुन रहे हैं अगर पापा तो देखिएगा लड़का गर्लफ्रेंड वाला नहीं है बिल्कुल बहुत लड़का है एंड आई एम श्योर कि आने वाला समय आपके लिए इतना ही ब्राइट uh, हो एंड आई एम श्योर दैट यू विल नॉट स्टॉप हियर विल नॉट स्टॉप हियर है ना द नेक्स्ट एम इज नीट पी और तब तक नहीं रुकना जब तक ये हो ना जाए राइट सो विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द बेस्ट ओके